माँ बाप ने नाम रखा महजबी बानो। फिल्म इंडस्ट्री ने बना दिया इन्हें ट्रेजेडी क्वीन और इनके चाहने वाले इन्हें मीना कुमारी के नाम से जानते हैं। जन्म 1 अगस्त सन 1932 में हुआ। मीना कुमारी का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था, इस वजह से बचपन से ही इन्हें फिल्मों में काम करना शुरू करना पड़ा। ये बात मशहूर रही कि मीना कुमारी बचपन में रोया करती थीं कि मुझे एक्टिंग नहीं करनी, मुझे स्कूल जाना है, पर परिवार की माली हालत ऐसी थी मीना कुमारी अगर काम ना करती तो परिवार का खर्च ना चलता। बात भी मशहूर है कि जब मीना कुमारी का जन्म हुआ था तब इनके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि ये डॉक्टर की फीस चुका सकें, इसीलिए कुछ वक्त के लिए मीना कुमारी को एक अनाथालय में रख दिया गया था। हालांकि इनके पिता भी कलाकार थे और पारसी थिएटर से इनका गहरा नाता था, पर इनका काम कुछ खास बनता नहीं था। के माता पिता दोनों ही कलाकार थे। पिता अली बख्श पारसी थिएटर से जुड़े हुए थे और माँ कामनी नाम से स्टेज पर डांस किया करती थीं। 7 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री ने महजबी बानो का नाम रख दिया बेबी मीना, और जब बेबी मीना बड़ी हुई और बतौर हीरोइन काम करने लगी तो इनका नाम मीना कुमारी ही रख दिया गया। शुरुआती दौर में इन्होंने धार्मिक फिल्मों में काम किया जैसे वीर घटोत्कच और श्री गणेश महिमा, पर धीरे धीरे वो वक्त आ गया जब इन्हें विजय भट्ट की फिल्म बैजू बावरा में बतौर मेन हीरोइन रोल मिला और इनका काम बहुत सराहा गया। सन 1953 में इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा भी गया था। उसके बाद तो मीना कुमारी ने पलट के नहीं देखा। सन 1953 में परिणीता, 1956 में एक ही रास्ता, 1957 में शारदा, 1960 की दिल अपना और प्रीत पराई को कौन भूल सकता है, और सन 1962 में एक ऐसी फिल्म आई जिसने मीना कुमारी को एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाकर बैठा दिया। ये फिल्म रही साहिब बीबी और गुलाम। ये फिल्म गुरुदत्त साहब ने बनाई थी और मीना कुमारी ने इसमें छोटी बहू का रोल निभाया था, वही छोटी बहू जिसे इस फिल्म के अंदर शराब की लत लग जाती है। ये वो साल था जब 3 फिल्मों के लिए मीना कुमारी को बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड के लिए नॉमिनेट करा गया था, यानी कि किसी और हीरोइन का कोई चांस ही नहीं था। ये फिल्में थी आरती, मैं चुप रहूंगी और साहिब बीबी और गुलाम। दिखता है आपको नशे की लत लग चुकी है। मुझे नशे की लत नहीं लगी रे, बल्कि बल्कि क्या? मेरे स्वामी, उन्हीं के नशे में चूर रहती हूँ। वो चाहते हैं कि मैं पीऊँ, पीती हूँ,
अगर हम मीना कुमारी के निजी जीवन की तरफ रुख करें तो हमें पता चलता है कि सन 1952 में मीना कुमारी को डायरेक्टर कमाल अमरोही से प्यार हो गया। कमाल साहब मीना जी से उम्र में 15 साल बड़े थे और पहले से ही शादीशुदा थे। मीना कुमारी जो खुद एक शायरा रही, उन्होंने कमाल अमरोही के लिए ये शेर लिखे थे कि दिल सा जब साथी पाया, बेचैनी भी वो साथ ले आया। आलम ये था कि इन दोनों ने फैसला किया कि ये अब शादी कर लेंगे। और शादी के एकदम बाद सन 1953 में फिल्म दायरा बनाई गई, जिसकी बुनियाद कमाल अमरोही और मीना कुमारी की जिंदगी थी। और सन 1956 तक आते आते इन दोनों के रिश्ते में कड़वाहट बढ़ने लगी। सन 1956 में फिल्म पाकिजा की शुरुआत हुई, पर क्योंकि मीना कुमारी और कमाल अमरोही के बीच दूरियां बढ़ रही थी, इस वजह से फिल्म पाकिजा को रोक दिया गया। बाद में सुनील दत्त साहब और नरगिस दत्त ने इन दोनों से कहा कि इतनी अच्छी फिल्म है, इसे मत रोको और इस फिल्म को बनाओ। तब इन दोनों ने इस फिल्म में दोबारा काम शुरू किया। इसी वजह से पाकिजा को 16 साल लगे पूरा होने में। कमाल अमरोही से अलग हो जाने के बाद मीना कुमारी शराब की लत में डूब गईं। लोगों को ऐसा लगा कि साहिब बीबी और गुलाम का वो चरित्र जो वो निभा रही थीं, अब असल जिंदगी में भी जी रही हैं। इस बीच ये बातें भी रहीं कि मीना कुमारी साहब के प्रेम संबंध उस जमाने के नए एक्टर धर्मेंद्र के साथ रहे, जो आगे जाकर एक सुपरस्टार बने। मीना कुमारी जी की दोस्ती गुलजार साहब के साथ भी खूब रही, और मीना जी के गुजर जाने के बाद गुलजार साहब ने एक किताब पब्लिश की जिसमें मीना कुमारी की शायरी थी। धीरे धीरे अकेलेपन ने मीना कुमारी को इस कदर घेर लिया कि वो असल जिंदगी में भी ट्रेजेडी क्वीन बन गईं। शराब उनके शरीर को तोड़ रही थी और प्यार उनके दिल को। इन्हीं लम्हों में मीना कुमारी ने कहा था, तुम क्या करोगे सुनकर मुझसे मेरी कहानी, बेलुत्फ जिंदगी के किस्से हैं फीके फीके। और जब मीना कुमारी ने कमाल अमरोही से तलाक लिया, तब इस संजीदा अभिनेत्री ने कहा था, तलाक तो दे रहे हो नजरे कहर के साथ, जवानी भी मेरी लौटा दो मेहर के साथ। सन 1971 में बीमार हालत में ही गुलजार साहब की फिल्म मेरे अपने में ये नजर आईं, एक अलग ही भूमिका करती हुईं। सन 1972 तक इनकी तबीयत इतनी खराब हो चुकी थी कि बचने की उम्मीद तकरीबन खत्म हो गई थी, पर जैसे तैसे फिल्म पाकिजा को रिलीज किया गया। और मीना कुमारी इस बात से खुश थीं कि वो इस फिल्म को देखने भी जाएंगी, पर पाकिजा की रिलीज के 3 हफ्ते बाद ही इनकी तबीयत इतनी खराब हुई कि इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और 31 मार्च सन 1972 को मीना कुमारी ने आखिरी सांसें ली। ये भी अजीब इत्तेफाक है, जब इनका जन्म हुआ था तब इनके माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो डॉक्टर की फीस चुका सकें, और जब इनकी मौत हुई तब भी यही हालात थे। पर एक प्रोड्यूसर ने इनके कुछ पुराने पैसे लौटाने थे, वो इनकी मौत के वक्त काम आए। रहा है सुहाग मेरा, जो तुम न होगे तो क्या
मीना कुमारी एक ऐसी अभिनेत्री रही जिन्होंने 30 बरस फिल्मों में काम किया, एक से बढ़कर एक किरदार निभाए और बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गईं। भारतीय सिनेमा के इतिहास में मीना कुमारी जी का नाम हमेशा अमर रहेगा। बॉलीवुड की लेटेस्ट खबरें और गॉसिप के लिए लॉग ऑन करें facebook.com/ultrahindi और twitter.com/ultrahindi पर।